टॉपिक को लेकर राजनीतिक बयानबाजी जारी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला और प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया की प्रेस वार्ता केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसके जवाब में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि आईटी का छापा पहली बार नहीं पड़ा है, इससे पहले भी यूपी और एनडीए की सरकार थी तब भी ऐसी कार्रवाई हुई थी, रमन की सरकार थी तब भी ऐसी कार्रवाई हुई है। ये एक प्रक्रिया है, जो भी इंक्वायरी और इन्फॉर्मेशन होगी उस पर देश भर में कार्रवाई होती रहती है, इसे राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री और पूरे कांग्रेस को विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, बहुमत की सरकार है, 5 साल तक सरकार चलेगी, ईमानदारी से और अच्छे से कार्य करें। तो ये जो कहना उनका उचित नहीं है, क्योंकि पहले से सूचना देकर के यदि जाएंगे वो तो सबको मालूम है क्या मिलने वाली है, तो जो उनकी सूचना उनको जो मिली है उसके आधार पर वो लोग कार्रवाई करते हैं, और इसलिए बहुत इसमें विचलित होने की आवश्यकता भी नहीं है। और जो बड़ी बड़ी में जो बातें आए कि सरकार को अस्थिर करने की है, अरे इसके पहले भी कार्रवाई होती रही है, इसमें सरकार अस्थिर कैसे हो गई, 3/4 बहुमत की सरकार है। मुझे लगता है कि जहां तक आईटी के छापे की बात है, ये पहले बार नहीं हुआ है, इसके पहले यूपीए की सरकार रही है तो भी आईटी का छापा हुआ, एनडीए की सरकार रही तो भी हुआ, डॉक्टर रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो भी हुआ, और केवल छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है। ये एक प्रक्रियागत है, इसको मुझे लगता है कि राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि राजनीति से कोई प्रेरित नहीं है, और इस प्रकार की कार्रवाई कोई पहले बार नहीं हुई है, इसके पहले भी इस प्रकार की कार्रवाई होती रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप